brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. भाई मोदी योगी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, पर भाई जयंत को भी साथ है। हमारे यहाँ कहा जाता था तो जो भावनाएं थी गांव की, गांव में बंटवारा था, आधे लोग राष्ट्रीय लोकदल आधे भारतीय जनता पार्टी। इस गठबंधन से राजनीति की नहीं, हमारा जो सामाजिक ताना बाना वो भी मजबूत। मुख्यमंत्री ने बैठाए थे, बात खत्म। मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत में मतभेद थे वो दूर हो गए जी, मुझे तो ऐसा लगता है। आपके साथ कैंपेन में आ रहे हैं? अभी मैं गया नहीं उधर, मुख्यमंत्री थे उस दिन थे। अभी भी थोड़ी बहुत दूरियां बची हैं, हो जाएंगी दूर को बात नहीं, आपस का मामला सुलझा लेंगे। अच्छा, हरेंद्र मलिक आपके मुकाबले में, हरेंद्र मलिक उतरे हुए हैं चुनाव में और समाजवादी पार्टी का बैनर झंडा, अखिलेश यादव तमाम लोग उनके साथ हैं, आपको कितनी चुनौती वो लग रहे हैं या फिर इस बार मायावती आपके लिए चुनौती? कोई सा भी चुनौती। संजीव बालियान का कैंपेन इस वक्त मुजफ्फरनगर के गांव-गांव चल रहा है और गांव में खास बात ये दिख रही है कि चाहे आरएलडी हो या बीजेपी, ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं और लगातार इनके कैंपेन में ये बात सामने आ रही है। सर स्वागत है, धन्यवाद। आपके कैंपेन में कुछ पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, क्या सचमुच पूरी तरीके से आरएलडी और बीजेपी बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं या आपको लगता है कि अभी भी कहीं कुछ कोई आपस में कुछ बचा है? देखिए एक सच बताऊं, अगर पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं जो लोकदल को बहुत प्यार करते, अगर आप उनसे कभी मिलते तो वे एक बात जरूर कहते थे, भाई मोदी योगी तो बढ़िया काम कर रहे हैं पर भाई जयंत को भी साथ लेते। हमारे यहाँ कहा जाता था तो जो भावनाएं थी गांव की, गांव में बंटवारा था, आधे लोग राष्ट्रीय लोकदल आधे भारतीय जनता पार्टी। इस गठबंधन से राजनीति की नहीं, हमारा जो सामाजिक ताना बाना वो भी मजबूत हुआ। हम सब जैसे घर में दीवार खड़ी हो जाए, दीवार खड़ी थी, दीवार गिराने का, आपसे गठबंधन का, और पूर्ण रूप से सब इस समय एक है। शायद जितना मजबूत मुजफ्फरनगर का गठबंधन है मुझे नहीं पता, दूसरी जगह में नहीं जा पा रहा, लेकिन यहाँ सब एक है। ये तो हुई ऐसी बिरादरी की बात जिससे आप आते हैं या फिर जयंत चौधरी आते हैं, लेकिन बाकी बिरादरियों का क्या? कहा जा रहा है कि दूसरी बिरादरियों में नाराजगी है, खास करके राजपूत समाज को लेकर के बहुत चर्चा चली, अभी की क्या स्थिति? देखिए क्या है कि जब हम राजनीति करते हैं तो अपनी जाति का उपयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, वही स्थिति है। जब चुनाव आता है जाति की बात लोग करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग हमारे संगठन बने हुए जातियों को करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है और जब मोदी जी का चेहरा आता है तो कोई जाति आज तक बची नहीं। ये तो हर चुनाव में होता मामला, आज ये जाति नाराज है नाराज है, ये नहीं पता लगता वो जाति है क्यों नाराज है, कहीं को टिकट मुझे नहीं मिला तो मेरी जाति नाराज हो जाती है। तो ये सब स्वार्थ में जातियों को नाराज करते हैं, आम व्यक्ति कहीं नाराज नहीं होता, आम व्यक्ति मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन इतनी पंचायत, इतना विरोध सोशल मीडिया पर, इतना विरोध, ऐसे लग रहा है मानो कि पूरे पश्चिम में हरा कदम लेंगे, इस तरीके की चर्चा? ऐसा कुछ नहीं होगा जब आप आम व्यक्ति से बात करोगे। बहुत से लोग स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलते रहते हैं, कोई कंधा किसी का होता है, बंदूक किसी की होती है, गोली तीसरे की होती है, तो चुनाव तक अपना महत्व बनाने के लिए चीजें चलती रहती है, लेकिन जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन सर्व समाज एक साथ होकर वोट करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। संगीत सोम से आपके जो मतभेद थे क्या वो दूर हो गए हैं या अपनी जगह पर बरकरार है? आज तक पता नहीं लगा मतभेद क्यों थे, मुख्यमंत्री ने बैठाए थे, बात खत्म। मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत में मतभेद थे वो दूर हो गए जी, मुझे तो ऐसा लगता है। आपके साथ कैंपेन में आ रहे हैं? अभी मैं गया नहीं उधर, मुख्यमंत्री थे उस दिन थे। अभी भी थोड़ी बहुत दूरियां बची हैं, हो जाएंगी दूर को बात नहीं, आपस का मामला सुलझा लेंगे। अच्छा, हरेंद्र मलिक आपके मुकाबले में, हरेंद्र मलिक उतरे हुए हैं चुनाव में और समाजवादी पार्टी का बैनर झंडा, अखिलेश यादव तमाम लोग उनके साथ हैं, आपको कितनी चुनौती वो लग रहे हैं या फिर इस बार मायावती आपके लिए चुनौती? कोई सा भी चुनौती नहीं, और पूरे पश्चिम में किसी में भी चुनौती नहीं। समाजवादी पार्टी का काला दौर, काला अध्याय 2012 से था, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से कोई नहीं बोला, वो सरकार नहीं थी, वो तो लुटेरों का ग्रोह था जो इस प्रदेश में बैठा हुआ था, ना बिजली, सड़क, ना पानी, ना कानून व्यवस्था, दंगे, अपराध, वो हम कोई नहीं भूल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कहीं वोट नहीं। और जो अब एक जिद थी कि हरेंद्र मलिक को कि आपके खिलाफ ही लड़ेंगे, वो तो लड़ रहे हैं, वो तो पांचवा चुनाव है लोकसभा का, चार का रिजल्ट देखना क्या रहा, पांचवे का उससे बेहतर नहीं होगा। और कहा यह जा रहा है कि आपको जो सबसे ज्यादा डेंट लग रही है, जो सबसे ज्यादा आपको, वो मायावती के जो कैंडिडेट हैं उनके उनके द्वारा लग रही है, प्रजापति हैं और जो बीजेपी का कोर वोट है वो काट ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे?
ये बात भी किसी ठेकेदार ने आपको बताई होगी, आम व्यक्ति ने बताई होगा। हमारे यहाँ 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुजफ्फरनगर में आप जी 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे, अलग अलग जाति के, अलग अलग उसके बहुत देवता है हमारे पास, जिस पर जल नहीं चढ़ा वही नाराज हो जाता है। तो ट्रायंगुलर में आपको नुकसान नहीं है क्योंकि पिछली बार तो लगभग आमने सामने का मुकाबला था। आमने सामने का मुकाबला था, बसपा उस तरफ थी और चौधरी जीत सिंह इस पश्चिम तरफ थे, सबसे बड़े नेता थे। अब राष्ट्रीय लोकदल हम साथ हैं, दो बड़ी ताकतें साथ हैं, बसपा अलग लड़ रही है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं। तो आपका क्या लगता है इस बार आपका जीत का मार्जिन क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, ज्योति तो होने पर बड़ा रहेगा, खूब जीतेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। तो हमारे साथ थे संजीव बालियान और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार बड़ी मार्जिन से वो ये चुनाव जीतेंगे, इसलिए क्योंकि इस बार आरएलडी ही उनके साथ। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक, मुजफ्फरनगर।